हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ एडेनियम ग्राफ्टिंग करने जा रही हूं। तो देखिए, लगभग यहां पे मैं 5 प्लांट लेकर आई हूं। प्लांट का जो रूट स्टॉक बहुत ही छोटा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 6-7 महीने के ही सीडलिंग है ये, और उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। फिर भी मैं इसमें ग्राफ्टिंग कर रही हूं। ये 2 प्लांट सही हैं, ये 3 प्लांट ज़्यादा छोटे हैं। और देखिए, अभी मैंने लगभग 20-25 दिन पहले जो ग्राफ्टिंग की थी अप्रैल के मंथ में, वो बहुत अच्छी सक्सेस हो गई। देखिए, सभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई। सबकी मैंने ग्राफ्टिंग टेप भी खोल दी है और थोड़ा थोड़ा इनको धूप में भी शिफ्ट कर दिया है। देखिए, अभी मैंने शाम की धूप में इसको रखा हुआ है। तो ये ग्राफ्ट करने के बाद हमारे प्लांट इस तरह से तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने सेप्टेम्बर में इस प्लांट को ग्राफ्ट किया था, रेड कलर का। और ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि कम से कम 1 साल से ज़्यादा बड़ा प्लांट होना चाहिए, मतलब कम से कम 1.5 साल का रूट स्टॉक होना चाहिए, तो ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी सक्सेस होती है। और नहीं तो ग्राफ्टिंग 8 महीने की सीडलिंग में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना अच्छा जितना बड़ा प्लांट, जितना मेच्योर प्लांट में आप ग्राफ्टिंग करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ होती है, उतनी ही ज़्यादा ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होती है और उतना ही ज़्यादा उसमें बहुत अच्छे भर भर के फूल आते हैं। फिर तो 1 साल का प्लांट हमारे लिए मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए, 2 प्लांट मैंने नर्सरी से लिए हैं, 4 प्लांट लिए हैं एक्चुअली मैंने। तो एक प्लांट तो बहुत छोटा है, उसकी मतलब ब्रांच बहुत ही छोटी छोटी सी, तो उसको मैं नहीं कट करूँगी। ये एक वेरीगेटेड वाला है, इसको मैं सोच रही हूँ ग्राफ्ट कर लूँ 2-4 प्लांट में। इसकी यहाँ से कट करूँगी ब्रांच, ये वाली ब्रांच को मैं कट करूँगी, तो 3-4 प्लांट इसमें से बन जाएंगे और ये लास्ट वाले को मैं वीग्राफ्ट कर दूँगी। और एक प्लांट मेरे पास और है, इसका भी कलर बहुत ही खूबसूरत है, उस दिन थोड़ा सा दिख रहा था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कलर इसका। तो इनको मैं आज रिपोर्ट भी करने वाली हूँ। कल मैंने इनको गमलों से बाहर निकाला था और फंगिसाइड के पानी में डुबा के रखा था कुछ देर, और अभी आज मैंने इसको सुबह ही रिपोर्ट करना था। लेकिन तो मैं सोच रही हूँ कुछ प्लांट तैयार हो जाएंगे। वैसे जो मई का मंथ है वो ग्राफ्टिंग के लिए सही नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको नीचे की थोड़ी सी पत्तियाँ हटा लेते हैं। इसमें अब सैप निकलेगा क्योंकि अभी कच्चे प्लांट हैं, तो थोड़ा सैप ज़्यादा निकलता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको जो मिट्टी है ना, मिट्टी सूखी रहनी चाहिए कम से कम 2 दिन से पहले, मतलब 2 दिन से पानी आपको देना बंद कर देना चाहिए, 1-2 दिन से। मैंने तो कल आज ही बस इसमें पानी नहीं दिया, कल मैंने दिया था पानी सुबह टाइम में, और आज मैंने पानी इनको नहीं दिया था क्योंकि मुझे ग्राफ्ट करने थे। तो यहाँ से देखिए, यहीं से मैं इधर की ब्रांच बहुत ही नाजुक है, ये बिल्कुल अभी अभी पूरी न्यू ग्रोथ हुई है, इतनी लंबी लंबी सी। और जो पहले का बस यही वाला स्टॉक थोड़ा सा मतलब मेच्योर है, तो इसकी पत्तियां तो नहीं हटानी पड़ेगी। और साइड से ब्रांच भी इसमें निकल रही थी, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए इस तरह से, तो कुछ पत्तियां हटा देते हैं, 2-4 इसकी भी। और देखिए कितना ज़्यादा सैप इसमें निकल रहा है, ये पूरा हाथ में, और इतना ज़्यादा कड़वा होता है कभी कभार ना, हाथ धोने के बाद भी ये मतलब साफ नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है, मेरे मुँह में कई बार चला गया है। ये थोड़ा पॉइजनस भी होता है, तो मतलब धोने के बाद हाथ फिर भी कड़वा रहता है, इतना ज़्यादा ये कड़वा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको अपने हाथों में, और आँखों से दूर रखिए, बिल्कुल भी आँखों तक नहीं पहुँचना चाहिए ये। देखिए, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, बहुत ही मतलब नाजुक सा मुझे लग रहा है इसका जो ये रूट स्टॉक है, बहुत ही सॉफ्ट सा लग रहा है, ये सही लग रहा है ये वाला, और ये भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये वाला सॉफ्ट लग रहा है ज़्यादा, तो मैं इसको लगता है छोड़ दूँ, इसको रहने दूँ। तो ये देखिए, 2-3 प्लांट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब इसमें से मैं एक ही प्लांट पहले कट करूँगी, अगर मुझे रूट स्टॉक नहीं मिले तो एक को मैं छोड़ दूँगी, बाद में जुलाई अगस्त में कर लूँगी। तो ये मैं जो वेरीगेटेड वाला है उसकी यहाँ से कटिंग करूँगी अभी। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम ऊपर से थोड़ा कट करेंगे, एक कट लगाएंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से जो सैप निकल रहा है इसको अच्छे से एक बार टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा सैप निकलेगा ना तो ग्राफ्टिंग हमारी फेल हो सकती है। और यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है इसको भी कट कर देंगे, साथ ही पत्तियाँ भी हटा देंगे। तो एक कट हम और लगाएंगे यहाँ से, इसीलिए हम 2 बार कट लगाते हैं। एक बार कट लगाते हैं तो सैप ज़्यादा निकलता है, दोबारा कट लगाते हैं ना तो फिर उसमें सैप नहीं निकलता उतना ज़्यादा, तो हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से सक्सेस हो जाती है। और ये देखिए, ये हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट है जिसको हमको ग्राफ्ट करना है। तो यहाँ से 2 नोड लेंगे, ये नोड एरिया होता है जो आई फुटाव होते हैं ना इसके, तब 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें देख रही हूँ 2 आएगा या फिर 3 आएगा, बहुत पास पास में है, ये देखिए यहाँ से। चलिए हम इसको 3 कर लेते हैं यहाँ से, एक 2 और 3 आ गए हैं इसमें। देखिए थोड़ा सा तिरछा है लेकिन ये, एक हटाना ही पड़ेगा क्योंकि तिरछा हो गया है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कट कर देंगे ताकि इसमें 2 नोड रहेंगे तो भी हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से सक्सेस हो जाएगी। और ये देखिए, अब फ्लैट कट लग गया है यहाँ पर, और ये देखिए बिल्कुल इसमें फिक्स हो गया है।
इसको आप इस तरह से फिक्स कर लीजिए। फिर हम लेंगे ये ग्राफ्टिंग टेप। ग्राफ्टिंग टेप बहुत ही ज़रूरी होता है ग्राफ्टिंग करने के लिए। अगर ग्राफ्टिंग टेप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो स्ट्रेचेबल पॉलीथीन होता है उससे भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, तो आसानी से मिल जाता है। वैसे ये कहीं पे मतलब जूट रस्सी वगैरह की जो शॉप होती है वहाँ पर ये आसानी से मिल जाता है, अगर आपके एरिया में होंगी तो, नहीं तो ऐसे हर दुकानों पे नहीं मिलता है। ये देखिए, तो मई में ग्राफ्टिंग करते समय ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। थोड़ा सा ग्राफ्ट करने के बाद इसको आपको बिल्कुल छाया में रखना है, धूप नहीं पड़ने देनी है। धूप लगेगी तो ये हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो ख़राब हो जाएगी, तो धूप नहीं लगने देनी है। और दूसरा, इसमें पानी नहीं मतलब देना है। शुरू में आपकी मिट्टी थोड़ी सूखी रहनी चाहिए, जैसे कि मेरे गमले की मिट्टी सूखी है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ जब भी मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ, ये देखिए इस तरह से मिट्टी थोड़ी सूखी रहनी चाहिए। आपको एक या दो दिन पहले से पानी देना बंद कर देना है। और एक चीज़ है, ग्राफ्टिंग के बाद भी आपको 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन पानी नहीं देना है, उसके बाद ही आपको पानी देना है। अभी इसमें पता नहीं कितने नोड हैं, 2 ही हैं। 2 नोड कम से कम होने चाहिए। 2 नोड रहते हैं ना तो 2 ब्रांच निकल कर आती है, ज़्यादातर 2 निकल आती है, कभी कभी 1 ही निकलती है। 1 नोड से नहीं निकल पाता है तो फिर वो बाद में हम प्रून करके उसको फिर से घना कर लेते हैं, लेकिन कम से कम 2 नोड रहना चाहिए। 1 से अगर नई ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई तो दूसरी नोड से ज़रूर फुटाव निकल आएगा, इसलिए कम से कम 2 नोड होना चाहिए। हमारा ग्राफ्टिंग टेप भी टूट गया, थोड़ा सा खोला तो इसको, बस बस 1 मिनट, रुको 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 रुको, देना ब्लेड से काट लूँगी। कितना खिंचाता है यार, मत करना उसको, खराब हो जाएगा। तो मई का मंथ वैसे अच्छा नहीं होता ग्राफ्टिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ प्लांट को। तो ये देखिए 2 प्लांट हमने यहाँ पे ग्राफ्ट कर लिए, तीसरा इसको कर लेते हैं। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहा है पर फिर भी हार्ड है इसकी कटिंग, तो यहाँ से कट करते हैं इसको। ऊपर से देखिए कितनी अच्छी 2 ब्रांच निकल रही थी, आने वाले टाइम में काफ़ी घना भी हो जाता है। तो जब थोड़ा ब्रांच कच्ची रहती है लेकिन ये टेढ़ा है तो यहाँ पे ग्राफ्ट करते नहीं बनेगा, तो हम इसको यहीं से कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कट कर लेते हैं, तो अब देखिए सैप नहीं निकल रहा, नहीं तो शुरू शुरू में सैप बहुत ज़्यादा निकलता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये जो इसका आई नोड होता है ना, इसका उल्टा सीधा जरूर देख लिया करिए। कभी कभी हम उल्टा लगा देते हैं और फिर ग्राफ्टिंग सक्सेस अगर हो भी जाती है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। मेरे से हो गया था पिछली बार, सक्सेस तो हो गया था लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा था अच्छे से। फिर इसलिए ना हमेशा सीधा जो ये वाला आई फुटा होता है ना, आई नोड, ये इधर की तरफ जो चांद के आकार में बना होता है ना, वो नीचे तरफ होना चाहिए हमेशा। इस तरह से देखिए, ये जो चांद जैसा बना होता है इसको आप ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे रखना है हमेशा, इस तरह से। तो बस एक मई के मंथ में एक्सपेरिमेंट था। वैसे मई का मंथ सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है इस समय, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के मतलब कम चांस होते हैं। फिर भी ट्राई करते हैं, हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने की थी अप्रैल में, वो बहुत अच्छे सक्सेस हो गई है। उस समय वैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ा बारिश होने लगी थी ना, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। देखिए 3 प्लांट हमने ग्राफ्ट कर लिए और 1 प्लांट ये भी है, तो देखते हैं इसको कट करके हम यहाँ से, हो जाएगा इसमें भी सक्सेस हो जाएगा क्योंकि सही है ब्रांच। तो चलिए मैं और भी 2-4 प्लांट ग्राफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए वेरीगेटेड वाली जो मैंने कट की थी ब्रांच, सॉरी ये नहीं है,
ये वाला प्लांट है, इसको मुझे रिपोर्ट भी करना है आज, इसकी मैं क्या कर रही हूँ दशा। तो 6 प्लांट मैंने इसमें से ग्राफ्ट किए, ये देखिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा फैल गया है, इतना ज़्यादा कटिंग पार्ट है सारा, ये देखिए। इतने सुंदर सुंदर हेल्दी से प्लांट कितने प्यारे दिख रहे हैं ये, लेकिन ये सब वेस्ट ही है क्योंकि इतनी सॉफ्ट कटिंग भी नहीं लगती है, तो हम इनको कटिंग से भी ग्रो नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत ही आसान होता है, मतलब बस कटिंग लगा दीजिए और इस तरह से प्लांट हमारा तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, बट ये कटिंग नहीं लगती है। मैंने एक आध बार ट्राई किया, वैसे मैं ट्राई भी नहीं करती ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग को लगाने का। तो 6 प्लांट मैंने ये वेरीगेटेड वाले ग्राफ्ट कर लिए हैं, और देखती हूँ अगर बचा तो मैं यहाँ से एक दो प्लांट की ग्राफ्टिंग और इसमें से मतलब ब्रांच ले लूँगी, नहीं तो इसको फिर यहीं से ग्रो होने दूँगी। यहाँ से एक पार्ट शायद इधर से और निकल जाए ब्रांच, तो ये डबल हो जाएगा और फिर इसको हम रिपोर्ट भी कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसका रूट स्टॉक काफ़ी अच्छा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कटिंग ग्रोन प्लांट है, मतलब कटिंग ग्रोन प्लांट पर उन्होंने ग्राफ्ट किया है ये, इसका जो कोडेक्स है वो अलग सा ही दिख रहा है। और ये वाली ब्रांच भी हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इतनी ब्रांच मैं इसकी ले लेती हूँ। इसका पार्ट देखिए, यहाँ से ऐसा लग रहा है ये यहाँ से ग्राफ्टिंग है, लेकिन ये यहाँ से भी ग्राफ्टिंग है, ये देखिए। तो यहाँ से भी हम इसका पार्ट ले करके लगभग इसी तरह से 6-7 प्लांट हम इसके भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ से देखिए सीड पॉट नहीं है, ये फ्लावर यहाँ से खिला हुआ था, तो ये कलियों का पार्ट है। तो हो सकता है यहाँ से और ब्रांच निकलेगी, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, यहाँ से मैं इसको कट करूँगी, यहाँ से कट करूँगी तो यहाँ से शायद दो ब्रांच निकल करके आएगी। नीचे से एक ब्रांच है यहाँ पर, और इधर की जो ये है तो इसको हम बना लेंगे कुछ प्लांट इससे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे प्लांट ग्राफ्ट कर लिए, ये 4 प्लांट मैंने 13 नंबर दिया है इसको, जिसको मैं नहीं कट करने वाली थी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, दो ब्रांच इससे छोटी छोटी सी निकली थी, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पिछला वाला प्लांट भी मैंने लाई थी तो इसी तरह से मैंने कट किया था, तो यहाँ से साइड से दो दो ब्रांच निकल करके हमारा प्लांट घना हो रहा है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा सील करना पड़ेगा इसको, फेविकोल लगा करके या तो नेल पेंट लगा करके इसको हम पैक कर देंगे फंगीसाइड लगा करके, ताकि यहाँ से ब्रांच हमारी सूखे नहीं और इधर की जो ग्राफ्टिंग है ये हमारा पार्ट सही सलामत रहे। और आज मैं इसको रिपोर्ट भी कर लूँगी सभी को, तो ये तीनों प्लांट आज मुझे रिपोर्ट भी करने हैं, शाम हो गई है। ये देखिए 4 प्लांट ये हो गए और 9 प्लांट ये जो वेरीगेटेड वाला था उसकी मैंने ग्राफ्टिंग कर ली, और 7 प्लांट मैंने जो पिंक वाला था उसके प्लांट बना लिए। तो इतने प्लांट मैंने तैयार किए, मतलब ये अब ये सक्सेस हो जाए तो सही है, क्योंकि मौसम तो नहीं है इनके हिसाब से, फिर भी मैंने ग्राफ्ट कर दिया है। अब रिजल्ट मैं आपको 15-20 दिन के बाद इसका दिखाऊंगी अपडेट कि किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। और अभी इस पर हमको सभी में पॉलीथीन कवर करना है ऊपर से, ये देखिए इस तरह से कोई सा भी पॉलीथीन लेकर के पूरा अच्छे से पैक कर देंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे बिल्कुल से, प्लांट हमारा डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह से इनको अब ये बार बार नई पॉलीथीन कहाँ लाएंगे, जो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है उन्हीं को हम लगा देंगे सभी में। एक रबर बैंड लगा देंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये कवर हो जाएगा ताकि इनमें नमी बनी रहे और बिल्कुल ये प्लांट हमारे ख़राब ना हो। तो बस पत्तियाँ मैंने कुछ तो हटा दी, कुछ अभी इसकी बची हुई है, इसकी पत्तियाँ लगभग मैंने सभी हटा दी है, और ये जल्दी से जल्दी जितनी कम पत्तियाँ रहेंगी उतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो पाँच ब्रांच मैंने वी ग्राफ्ट किया है, और बाकी मैंने सारे फ्लैट ग्राफ्टिंग की है, टेबलेट ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, और जो ऊपर की ब्रांच रह जाती है उसी को हम वी ग्राफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच को हम अगर टैब ग्राफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा कभी कभी ख़राब हो जाती है और बाद का पार्ट फिर वेस्ट भी हो जाता है। ऐसे में जो वी ग्राफ्टिंग होती है जल्दी फ्लावरिंग भी करने लगती है, इसलिए हम बाद में बचे हुए पार्ट को वी ग्राफ्ट कर देते हैं। तो बस इतना मैंने किया है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो बोलूँगी अगर आप लोग नए हैं ग्राफ्टिंग में तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, जून के मंथ में 15 जून से आप ग्राफ्टिंग फिर कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे आपको बारिश से प्लांट को बचा के रखना पड़ेगा। इन पर बारिश का पानी अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है, अगर आपके एरिया में बारिश होती है। जून के मंथ में करें, जुलाई में करें, अगस्त में करें, लेकिन बारिश के पानी से बचा के रखिएगा। जो ब्रांच आप कट करते हैं, जिस प्लांट की ब्रांच लेते हैं उसको भी, और जिस पर ग्राफ्ट करते हैं उसको भी, इतनी सावधानी रखेंगे तो आपको प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी तरह से ग्रो होगा। तो अभी रिस्क मत लीजिएगा, मैं तो बोलती हूँ मैंने लिया है, देखते हैं सक्सेस रिजल्ट। इनमें से कम आधे प्लांट तो ग्राफ्ट हो ही जाएंगे, मान लीजिए पूरा सक्सेस ना मिला तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये तो कुछ ना कुछ हमको गार्डन में करते ही रहना पड़ता है एक्सपेरिमेंट, ताकि उसी से हम सीखते भी हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं करती रहती हूँ। तो बस इनको हम सबको पॉलीथीन से कवर करके और छाया में रखेंगे। पानी हम इसको लगभग 5 दिन अभी नहीं देंगे, 4-5 दिन, 4-5 दिन के बाद इसमें पानी देंगे। मिट्टी सभी की ड्राई है, कुछ की थोड़ी गीली भी है, मतलब एक ऊपर से तो सूखी है लेकिन नीचे से एक आध प्लांट की गीली, जैसे इसकी देखिए
नीचे इसमें मॉइस्चर है, ऊपर से सूखा है, लेकिन एकदम से गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए जब भी आप ग्राफ्ट करें, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।